नमस्कार भाई दोस्तों, दो तीन न्यूज से साबित हो गया कि हम विश्व गुरु हैं। न्यूज छोटी भी नहीं थी, न्यूज बहुत बड़ी थी, लेकिन जो न्यूज ओरिजिनल थी वो दिखाई नहीं जाएगी, ना ही सोचना कि कोई आपको दिखाएगा सच्चाई क्या है। आपको दिखाया गया लगातार 3-4 दिन तक दिखाया कि देश में 8 चीते आ रहे हैं। किसी ने दिखाया कि लाखों गायें मर गई, उनको ट्रकों में भर भर के लेके जाया जा रहा है। ये सबको पता है, जो जानवरों में बीमारी आई है, ओलंपिक बीमारी आई है, उसका इलाज है, डॉक्टर बोलते हैं उसका इलाज है। लेकिन अगर बड़े स्तर पर करना है तो सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों कदम उठाएगी? सरकार तो चीते लेके आ रही है, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश लखीमपुर में 2 दलित बच्चियों की हत्या हो जाती है, उनको शव को टांग दिया जाता है, पेड़ के ऊपर टांग दिया जाता है, कोई मीडिया में कोई न्यूज नहीं। हाँ, न्यूज आएगी कि योगी आदित्यनाथ का मंदिर बना दिया, मुबारक हो, एक और नया भगवान मिल गया आपको, नया भगवान मुबारक हो, सुबह शाम आरती होती है, लाखों का मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था आपको, मंदिर मस्जिद यही चीजें तो चाहिए थी। एक जो सबसे बड़ी खबर थी, बच्चियां बच्चे रोड के ऊपर आ गए, वी वांट जस्टिस, क्या उनको इंसाफ मिला? नहीं इंसाफ मिला। बात हो रही है पंजाब की। पंजाब में एक तरफ नशे का और जो चल रहा है ना, वो तो चल ही रहा है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कांड होया है उसका सबको पता है, हर एक चीज़ सामने आ गई, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ कैसे मिलेगा? इंग्लिश के जो अखबार है सिर्फ वो ही न्यूज़ दे रहे हैं, ड्रंक भगवंत मान थ्रो आउट ऑफ प्लेन। लुधियाना में भगवंत मान ने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी, पैसेंजर की शिकायत पर उनको जहाज से नीचे उतार दिया, क्या न्यूज़ में क्या दे रहे हैं? अपने वाले नहीं दे रहे न्यूज़, ये पंजाब के सीएम भगवंत मान टल्ली, लुफ्थांसा ने जहाज से उतारा, भारत शर्मसार। क्यों, पहले नहीं पता था क्या ये है ही नशेबाज? पहले नहीं पता था? पंजाब का बिल्कुल भट्ठा बैठाने के लिए ही तो इसको सीएम की कुर्सी दी गई थी। अभी तक कोई और सीएम होता तो कुछ सोचता भी, ये क्या सोचेगा? ये कौन सी नशे पर लगाम लगा देगा? कभी सोचा आपने क्या नशा रुक जाएगा जब तक ये सीएम कुर्सी पर बैठा होगा? नशा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। एक हमारे पास भी बैठा है हरियाणा के अंदर कुर्सी के ऊपर, जब उससे सवाल किया गया, किसी ने पूछा कि आप वोट तो गायों के नाम पर मांगते हो और 100-100 करोड़ के चीते लेकर आ रहे हो, चीता तो वैसे भी खाएगा इंसानों को, आप गायों के लिए कुछ नहीं कर रहे, हंसने लग जाते हैं। उनको पता है वोट लेनी होगी तब इनको 5-5 kg अनाज दे देंगे, वोट हमारे को मिल ही जाएंगी। 5 kg अनाज में वोट मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 kg अनाज दो वोट लो। प्रधानमंत्री साहब ने गाय का गाय भी निकाला मुँह से, चीता चीता वो दिखा के, चीता चीता पूरी गोदी मीडिया लगी हुई है, चीतों को इतनी तेज रफ्तार है, ये है, और वो चीता है भी नहीं। कमाल तो ये है ना कि वो चीता भी नहीं है, क्या करोगे, वो तो चीता भी नहीं निकल रहा। हर एक चीज का आपको बताया था मैंने, कोई भी चीज आती सामने उसका ही देखा रहो कि ये एकदम अचानक से ये आया कैसे, ये अगर इतना वो कर रहे हैं, राम कहानी गा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि चीतों के बहाने आपको और ही कुछ कर दिया जाए, कोई नई खबर आए एकदम से अचानक कि इस जमीन, ये जमीन बिक गई, ये वो हो गया। आएगी आपके सामने, आएगी न्यूज़ आएगी, लेकिन थोड़ा लेट आएगी। जो बड़ा घपला होता है ना, उसको दबाने के लिए आपका ध्यान दूसरी तरफ किया जाता है, कभी नहीं समझ पाओगे आप क्या सोच रहे हो। पंजाब के अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कांड हुआ है वो कुछ भी नहीं है, उसके ज़्यादा कांड तो पंजाब में हो चुका है। पंजाब बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 1 साल तक रुक जाना, सिर्फ 1 साल तक। सबसे पहले गुलाम पंजाब होगा, सबसे पहले पंजाब गुलाम होगा, गारंटी है इस चीज़ की, आज बता रहा हूँ मैं आपको। 1 साल में, सिर्फ 1 साल में पंजाब गुलाम दिखा दें। बोलते हैं ना कि हम लड़ने वाले हैं, तुम सिर्फ आपस में लड़ सकते हो, आपस में लड़ने वाले बचे हो अब, या सिर्फ महापुरुषों के किस्से कहानियाँ सुनाते रहो, उन कहानियों को सुनते रहो और मस्त रहो, विश्व गुरु बनने जा रहे हो। सबसे पहले मेरे को लग रहा है अगर कोई स्टेट विश्व गुरु बनेगी ना तो वो पंजाब बनेगी। बताया था बिल्कुल शांति से, बताया था कि इन्होंने टारगेट बना रखा है, उलझ गए उनके टारगेट में, उलझ कर वह जो दिखाते जा रहे हैं वही आप देखते जा रहे हो, वही आप करते जा रहे हो। तो क्या सोच रहे हो इससे? आपको वीडियो दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया कि हो क्या रहा है, सबको ये पता है। चलो हम मानते हैं, सब कोई भी होता है अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा सभी करते हैं, लेकिन जब पंजाब के अंदर गुरु के गुल्लक के ऊपर भी दूसरे कब्जा कर रहे हैं तो आप सोच रहे आप बचे हुए हो? पंजाब में सरेआम चिट्टा बिक रहा है, सरेआम
अगर किसी ईमानदार पुलिस वाले से पूछे तो बोले हम रोक नहीं सकते, ऊपर से प्रशासन का आदेश है ना कमाल। और हम विषव गुरु बनने जा रहे हैं, आपको गाय के नाम पे वोट देते हो आप, लेकिन वोट का वोट लेने के बाद आपके सामने चीते रख दिए जाते, एक हिरण मारने की 8 साल की सजा, 181 हिरण छोड़ दिए उन चीतों के लिए। कहाँ गई वो मेनका गांधी या वो ह्यूमन राइट्स वाले, या बोलेगा नहीं कोई भी। महंगाई दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। लगे रहो विश्व गुरु बनने जा रहे हो, और विश्व गुरु बन के रहोगे, ये भी कन्फर्म है, विश्व गुरु आप लोग बन के रहोगे, कन्फर्म हो चुके हैं। ये आँखें खोल ली नहीं, ऐसे ही लगे रहना। मुबारक हो सभी को, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है। किसी को कोई अगर बात पूछनी है, कोई चीज़ चाहिए, आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप आप मैसेज कर देना 9518883630 9518883630। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लेना, कुछ पूछ लेना। बाकी विश्व गुरु बनोगे, और सबसे पहले विश्व गुरु पंजाब बनेगा। अब जो पंजाब के ताज़ा हालात चल रहे हैं ना, आपस में लड़ना मारना काटना, जल्दी ही बन जाओगे। 1 साल तो हो सकता है ज़्यादा समय दे दिया, क्योंकि ऐसा ही ऊपर कुर्सी बिठा रखा है, वो है ही नहीं, डमी सीएम है पंजाब के पास। ओरिजिनल सीएम दिल्ली बैठता है पंजाब का, या फिर और किसी को उठा के बना देंगे। लेकिन ये मत समझना कि पंजाब के अंदर कोई ऐसा सीएम बनेगा जो ठोस फैसले ले सके, वो नहीं बनेगा, और ना ही दिया जाएगा पंजाब को। सोच लेना अब आप लोगों को क्या करना है। उत्तर प्रदेश में दलितों की लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनकी रातों रात मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है, सीएम का उठा के मंदिर बना दिया जाता है, यही चलेगा। जिस देश में ज़्यादा कांड हो, जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांड होंगे ना, उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का मंदिर बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बलात्कार करने वालों को फूलमाला पहना के स्वागत किया जाता है, और जिसके राज्य में ज़्यादा बलात्कार होंगे उसका तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, कोई दो राय नहीं इसमें। उसका मंदिर क्यों नहीं बनेगा? बनेगा मंदिर, वो मंदिर बनाने के लिए ही तो ये सब किया जा रहा है। अब देखो हरियाणा में कितनी स्पीड पकड़ते हैं इनका, जो इनका विकास है, ये विकास है इनका, बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, ये विकास जल्दी हरियाणा में गिरफ्तार पकड़ने वाला, और बहुत ज़्यादा तेजी से पकड़ेगा। तो एक कंटेनर पकड़ा गया था गुजरात में, हज़ारों करोड़ की हीरोइन थी, ऐसे ऐसे तो 5 कंटेनर आए हैं, और ख़ास करके पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर सप्लाई होगा पूरा का पूरा। आपकी नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, फसल के आपकी पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, बचा क्या आपके पास? विषव गुरु और घंटा बजाते रहना, जिसकी समझ में आ जाए वो शेयर कर लेना, आँखें खोल लेना। लेकिन उससे भी जरूरी है कि अपनी आँखें खोल लो। नमस्कार भाई दोस्तों।